Hello students, so this is Neha Soni from Bharti Group of College. आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है arrays और structure के बीच में क्या difference है. ये है BE second sem subject है PPS. तो आज हम देखते हैं कि हमने last classes में अपने array के बारे में पढ़ा था कि array क्या होता है, array की classification क्या है, array को कैसे declare करते हैं, उसका general syntax और आपके types of array जो 1D array, 2D array, multi-dimensional array उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे deal करते हैं. Next हमारा जो topic है वो basic difference between array and structure. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले अगर हम array की बात करते हैं तो array क्या होता है, एक आप क्या बताते हो उसका general जो syntax है, आप कोई भी एक डेटा टाइप यूज करते हैं, ओके, either you are using integer type of data type या आप float यूज कर रहे हो या double यूज कर रहे हो character, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट है. बट एरे में क्या है, एक ही डेटा टाइप के आप बहुत सारे वैल्यूज को होल्ड करके रख सकते हो. वही अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर क्या होता है, नाम तो उसका एक ही रहेगा, वॉट एवर आप नेम दे रहे हो आपका नेम वो रहेगा. बट आप जब स्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसमें हम क्या है, एट अ टाइम मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो एरे में अगर मैं बोलूँ इंट मार्क्स, मतलब इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप और एरे का नाम है मार्क्स, मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट का सिर्फ मार्क्स होल्ड करके रखेगा. बट अगर मैं बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर में अगर मैं क्या कर रही हूँ इन स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर कब मैं बनाई हूँ, स्ट्रक्ट की वर्ड यूज करते हैं तो मैं लिखी हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके. तो स्टूडेंट स्ट्रक्ट आपका क्या हो गया, कीवर्ड जो हमको चाहिए ही. बट एस हम एरे की बात कर रहे हैं तो एरे में हमको कोई कीवर्ड की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है. आप सिंपल डिक्लेयर करेंगे पर्टिकुलर डेटा टाइप, एरे का नाम, वेरिएबल नेम जिसको हम बोलते हैं और साइज ऑफ द एरे. बट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो स्ट्रक्चर में हम कीवर्ड यूज करेंगे दैट इज स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर का नेम देंगे वेरिएबल नेम. तो वही एग्जाम्पल भी मैं बताई थी कि अगर मैं स्टूडेंट बोलती हूँ तो पर्टिकुलर स्टूडेंट में आपका वो रोल नंबर भी आता है, आपका नाम भी आता है, आपके मार्क्स भी आते हैं, आपके एड्रेस भी आते हैं. या पर्टिकुलर कोई भी कॉलेज या स्कूल का एक स्टूडेंट डिटेल्स बोलूँ तो जितने भी आपके एलिमेंट्री पार्ट्स हैं वो सारे फुलफिल होते हैं. तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर मैं मार्क्स बोल रही हूँ तो मार्क्स में भी आपका क्या हो सकता है, पॉइंट में भी आते हैं या तो फिर आपका इंटीजर पार्ट भी रहता है, तो दोनों पार्ट कंटेन करके रखता है तो हम उसको किस में डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट, ओके. अगर मैं रोल नंबर बोलूँ तो रोल नंबर हमेशा आपका होल नंबर ही रहता है, दैट इज इंटीजर नंबर, तो आप उसको किस में डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर. तो आप पर्टिकुलर स्टूडेंट में इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं फॉर होल्डिंग द रोल नंबर, आप फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं फॉर होल्डिंग द मार्क्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट, फिर आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक आपका है नेम के लिए, एक है आपका एड्रेस के लिए. तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से एक स्टूडेंट में एक एक आपका स्ट्रक्चर है और उसमें हम कितने टाइप डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, तीन डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, ओके. इंटीजर भी यूज कर रहे हैं, फ्लोट भी यूज कर रहे हैं और कैरेक्टर. वेयरएज हम जब एरे की बात करते हैं, हमने एरे पे देखा था पर्टिकुलर एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करके रखने को हम क्या बोलते हैं, एरे. और स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, सिंगल लेन दैट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, इट इज कॉल्ड एरे. यहाँ पे अगेन आप यहाँ का डिफरेंस है, सिंगल लेन दैट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, यहाँ पे आपका क्या है, सेम डेटा टाइप एक ही डेटा टाइप का होल्ड करके रखना है, यहाँ पे आपका क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप. उसके बाद जो हम इसमें इंडिविजुअल एंट्रीज देते हैं है ना एरे में, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. जैसे आपका ये एक है एरे, उसमें आप ये जो एलिमेंट्स को आप यहाँ पे फीड कर रहे हो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एलिमेंट्स. वेयरएज जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर एक फील्ड या अलग अलग उसको क्या बोलते हैं, मेंबर्स. तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेंबर्स और यहाँ पे इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ एरे आर कॉल्ड
एलिमेंट्स. अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे में हमको पर्टिकुलर कोई कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको स्ट्रक्चर में कीवर्ड देना जरूरी रहता है, दैट इज द स्ट्रक्ट. द स्ट्रक्ट के बाद आप क्या करेंगे, वेरिएबल है. हम स्ट्रक्चर को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, क्योंकि कई बार सवाल उठता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है. वो भी अलग, वो भी बहुत सारे डेटा आइटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है, ये भी बहुत सारे डेटा आइटम्स को एक जगह होल्ड करके रखता है, बट बेसिक डिफरेंस यही है कि हम इसमें एक सिंगल डेटा टाइप के वैल्यूज को होल्ड करते हैं एरेज में, और इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज को एक जगह होल्ड करके रख सकते हैं. अब बात ये आती है कि सिंगल डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, ओके. तो एरे पे क्या हो गया, एक के बाद एक ही डेटा टाइप अगर मैं इंटीजर ले रही हूँ तो वो सिंगल डेटा टाइप, तो उसमें क्या होगा, आपका जो मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा, है ना. बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैं डेटा फिट कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपका रोल नंबर आया, देन आपका नाम आया, देन आपके मार्क्स आए, तो क्या हो गया, एक पहला सीक्वेंस में आपका रोल नंबर आया, दैट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, फिर आपका नाम आया, दैट इज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, और इसके बाद आपके मार्क्स आए, वो क्या है, फ्लोटिंग डेटा टाइप. तो इंडिविजुअल मेमोरी अलग अलग बनेगी, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, स्टोर करने का अलग अलग है. अगर मैं इंट डेटा टाइप की बात कर रही हूँ तो 4 बाइट स्टोर करके रखता है, वही कैरेक्टर डेटा की बात कर रही हूँ तो 1 सिंगल बाइट स्टोर करके रखता है, और फ्लोट की बात कर रही हूँ तो अगेन वो 4 और 8 डेटा बाइट स्टोर करके रख सकता है. तो इट डिपेंड्स, तो अलग अलग डेटा टाइप है तो अलग अलग उसका क्या होगा, मेमोरी लोकेशन होगा. तो आपका पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की डेटा की फील्ड बोलूँ तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में नहीं होगी, वो क्या है, इंटीजर का एक अलग पार्ट बनेगा, फ्लोट का एक अलग पार्ट बनेगा, और आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का अलग पार्ट बनेगा. तो ये पॉइंट, ये चीज है कि मेमोरी ऑफ एरे आर स्टोर इन अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन. सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस में आपका डेटा स्टोर नहीं होता, बिकॉज जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स. ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को और कैसे फाइंड. तो अभी हमने देखा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरे और स्ट्रक्चर में क्या होता है. अब हम स्ट्रक्चर को और डिटेल रूप में देखते हैं, क्योंकि एरे का हमने रिप्रेजेंटेशन देख चुका है, एरे को कैसे इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं. तो अब आते हैं स्ट्रक्चर. तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा सेम वही है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स अंडर सिंगल नेम विच कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल नेम आप दोगे तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, है ना, अलग अलग डेटा टाइप का. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैन हैव अ रोल नंबर, स्टूडेंट कैन हैव अ नेम, स्टूडेंट कैन हैव अ मार्क्स, स्टूडेंट कैन हैव अ इंडिविजुअल एड्रेस. तो दिस आर द डिफरेंट एंटिटीज. ओके, अलग अलग आपके एंटिटीज हैं तो अलग अलग आपके मेंबर फंक्शन बनेंगे, तो उसके हिसाब से आपको क्या है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स नेम इन अ सिंगल नेम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर. उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो इट इज़ अ कन्वीनियंट वे ऑफ ग्रुपिंग, है ना, कन्वीनियंट वे अलग अलग ग्रुप करने के लिए सबसे बेस्ट वे है. तो इट इज़ अ कन्वीनियंट वे ऑफ ग्रुपिंग सेवरल पीसेस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. आपका ये डिराइव्ड डेटा टाइप है, हमने पहले पढ़ा था कि आपके डेटा टाइप्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इनबिल्ट डेटा टाइप और दूसरा आपका डिराइव डेटा टाइप. इनबिल्ट डेटा टाइप इसको हम प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं, डिराइव को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं. तो इनबिल्ट आपका क्या हो गया, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, वॉइड, दिस आर द बेसिक इनबिल्ट डेटा टाइप्स. और डिराइव डेटा टाइप्स आर दोस कि हम यूजर अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव डेटा टाइप. तो डिराइव डेटा टाइप्स में हमने एरे पढ़ा था, पॉइंटर्स भी है, देन आपका स्ट्रक्चर भी है, देन आपका यूनियन है एंड एनुमरेशन है, दिस आर द डिराइव डेटा टाइप्स. ओके, और जो स्कोप रहता है स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन का वो लिमिटेड रहता है द स्ट्रक्चर इटसेल्फ. ओके, तो अब हम जनरल सिंटैक्स देखते हैं कि जनरल सिंटैक्स में क्या होता है. सबसे पहले मैंने अभी अपनी वर्ड यूज किया था स्ट्रक्ट. स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमको जो कीवर्ड यूज करना है वो है स्ट्रक्ट, जो आपका इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है. ये दिस एकदम
विदाउट दैट आपको नहीं समझ में आएगा कि यू आर यूजिंग अ स्ट्रक्चर. तो आपको जो की वर्ड यूज करना है वो स्ट्रक्ट STRUCT. देन आपका यहाँ पर मैंने लिखा है टेट, दैट इज आपका क्या रहेगा द स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर नेम. ओके आपका ये है कीवर्ड और उसके बाद आपको लिखना है स्ट्रक्चर का नेम. उसके बाद विद इन दैट ब्रेसेस आपको जितने भी मेंबर्स आपको डिफाइन करने हैं आप कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल नेम से. तो मेंबर वन, मेंबर टू, अप टू मेंबर एन. देन वी हैव टू क्लोज द ब्रेसेस और यहाँ पे हमको एक कॉमा लगाना है इन्वर्टेड कॉमा. ओके अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने कि स्टूडेंट्स का क्या बनाया स्ट्रक्चर बनाए हैं. ओके उसके अंदर आपका क्या क्या है कैरेक्टर नेम नेम ऑफ साइज 80. मतलब मैंने एक एरे लिया है ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं नेम होल्ड करके रख रहे हैं. उसकी साइज क्या है 18. मतलब आपको एरे का जो साइज है 18. एक चीज और ध्यान रखनी है कि एरे का जो है बाउंड्री चेक वो है बहुत इम्पोर्टेंट. सपोज आप एन नेम ऑफ 81 कर रहे हो तो आपको क्या होगा कंपाइलेशन के टाइम पे कोई एरर नहीं बताएगा, बट रन टाइम पे वो क्या होता है एरर आता है, दिक्कत होता है. तो आपको बाउंड्री का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने 80 लिखा है तो विद इन दैट 80. और अगर हम कैरेक्टर वैल्यू की बात कर रहे हैं और हम एरे की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमको क्या करना रहता है जब हम कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे हैं तो हम लास्ट वैल्यू दैट इज द 80th पोजिशन ऑफ द दैट वैल्यू हमको उसको स्पेस देना, फ्री स्पेस देना रहता है क्योंकि दैट वैल्यू कंटेन्स द नल वैल्यू. अगर वो नल वैल्यू कंटेन नहीं होगा तो 80th वाला भी आपका रीड नहीं होगा. तो एक चीज हमको जब हम कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर के बारे में एरे के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना है. एक आपका है बाउंड्री और दूसरा है कि लास्ट वैल्यू जो है वो नल कंटेन करके रखता है तो उसके लिए हमको स्पेस देना जरूरी है. देन आपका है एंड रोल नंबर, मतलब इंटीजर टाइप का हम क्या कर रहे हैं रोल नंबर होल्ड करके रख रहे हैं. तो ये जो है आपका नेम दैट इज आपका क्या है वेरिएबल नेम, रोल नेम रोल नंबर इज ऑल्सो वेरिएबल नेम. देन आपका फ्लोट टाइप का आपका मार्क्स है तो मार्क्स इज ऑफ अ वेरिएबल नेम. तो आप देखो आप सिंगल आपका क्या है स्टूडेंट, सिंगल नेम डिफरेंट वेरिएबल नेम विद डिफरेंट डेटा टाइप्स इसको हम बोलते हैं मेंबर और ये जो डिफाइन करता है वो है आपका स्ट्रक्चर. इसके आगे हम और देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं. जनरल सिंटेक्स में हमने देख लिया था, एग्जांपल भी देख लिया था. तो एक और एग्जांपल देखते हैं. मैंने एक लिया है यहाँ पे स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है और मैं स्ट्रक्चर का नेम ले रही हूँ दैट इज डेट. ओके देन विद इन दैट कर्ली ब्रेसेस हमको क्या करते हैं अपना डेटा देना है. तो आप यहाँ पे देखिए मैं इंटीजर एक सिंगल यहाँ पे डेटा टाइप दे रही हूँ दैट इज ऑफ इंटीजर. उसमें मैं क्या क्या होल्ड करके रखती हूँ आपका ये है डेट, आपका मंथ और ये आपका ईयर. ओके फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज. उसके बाद मैंने क्या किया है उस पर्टिकुलर इस डेट, मतलब मैंने सपोज यहाँ पे डेट लिखा तो पर्टिकुलर अब मुझे डेट ओवरऑल 365 डेज का तो चाहिए नहीं, पर्टिकुलर एक डे का निकालना है. तो डी वन इज इक्वल टू पर्टिकुलर मैं डेट दे रही हूँ पहले मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 15/8/1947. तो 15 आपका किस पे जाएगा दैट इज डेट, आपका 8 किस में जाएगा दैट इज मंथ और ईयर पे आपका 1947. तो हमको अगर डेटा फीड करनी है स्ट्रक्चर में तो हम इस तरीके से फीड करते हैं. या तो हम एक और तरीका देखते हैं कि मैं यहीं पर डायरेक्ट आपका डेटा फीड कर दूँ. तो मैं क्या तरीका कर सकती हूँ स्ट्रक्ट डेट डी टू और उसके बाद डी टू इज इक्वल टू विद इन दैट कर्ली ब्रेसेस 26/1/1950. तो ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं. अगर मैंने स्टूडेंट की भी बात की थी सपोज यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट मैंने एक क्या लिया है वेरिएबल नेम. तो यहाँ पे जब आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू ऐसे करके जितने भी आपको डिटेल्स वो करने हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो. फिर उसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर को हमको एक्सेस कैसे करना है. ओके स्ट्रक्चर को एक्सेस करने का क्या तरीका है कि पर्टिकुलर आपने डेटा फीड कर दिया हम मेरे को उसको कॉल करना है तो मैं कैसे इसके बारे में जानकारी लूंगी. उस केस में हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर
उसके बाद उसका वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम, मतलब स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल मतलब पर्टिकुलर अगर मेरे को नेम को कॉल करना है या आपके रोल नंबर को कॉल करना है या वॉट एवर जितने भी आप वहाँ पे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हो उसका वेरिएबल नेम और जो मेंबर नेम है वो। तो जैसे आपका स्टूडेंट का अगर मैं बात कर रही थी तो स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू ऐसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ स्टूड वन डॉट रोल नंबर, मतलब पहले बच्चे का डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे ये बात पे भी ध्यान रखेंगे कि हम अगर स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हैं तो हमको क्या चीज पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर का जो नाम रहेगा वो तो रहेगा, जो भी स्ट्रक्चर आप वहाँ पे दे रहे हो जो डेटा फीड कर रहे हो वो डॉट ऑपरेटर और पर्टिकुलर मेंबर नेम जिसको भी आपको कॉल करना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है स्ट्रक्चर के कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर डिराइव डेटा टाइप्स होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स डिफरेंट वेरिएबल नेम इन अ सिंगल नेम, ओके, और डेटा कैसे इनिशियलाइज करना है, जनरल सिंटैक्स क्या होता है और डेटा एक्सेस कैसे करते हैं स्ट्रक्चर में, ये आज का था। हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। थैंक यू।